ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter Number 7, Cash Book and its Types. In the previous lecture, we have discussed about the simple cash book. We have discussed together the format of ordinary cash simple cash book. Now today we will be discussing about two columnar cash book. पहला है कैश एंड डिस्काउंट, वो डिस्कस करते हैं कैश एंड डिस्काउंट। तो भाई कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे, ओके कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आ पाएंगे, ओके आई जस्ट रिपीट आउट थ्रू थिंग्स। वही सेम डेट पर्टिकुलर्स रिसीव नंबर LF, यहां पे आप जो अमाउंट का एक सिंगल कॉलम था अब दो में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा कैश एक होगा डिस्काउंट। एक होगा कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड, डिस्काउंट। यहां पे रूल्स में वही सेम रूल, डेबिट में पैसा आया क्रेडिट में पैसा गया, रूल तो वही सेम, बट यहां पे कॉलम दो हो गए, एक हो गया कैश एक हो गया डिस्काउंट। सो डिस्काउंट, तो कौन सा वाला डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, होता है कंपल्सरी माइनस करना ही, उसके बाद आपको चेक करना है वेदर कैश डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन ऑर नॉट, वो आपको चेक कर लेना है। कैश डिस्काउंट अमाउंट क्या होता है, मेंशन यहां पे करना है। दिस सब में ऑल्सो स्टार्ट विद द बैलेंस, सपोज 2019 ईयर जून मंथ दिया है, टू बैलेंस गॉट डाउन, बैलेंस का अमाउंट लिखा है यहां पे, ठीक है। डिस्काउंट का जो भी है वो यहां मेंशन करेंगे, सेल्स किया हो तो पैसा मिला, ओके पैसा मिला, डिस्काउंट दिया हो सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू मुकेश एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट, रिसीव फुल अमाउंट इमीडिएटली। 10,000 का मैंने गुड्स बेचा मुकेश को, 10,000 का रेट डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया, पेमेंट पूरा मिल चुका है मुझे, रिसीव फुल अमाउंट इमीडिएटली। तो 9,000 का 10%, तो यहाँ पे देखेंगे सपोज अगर डेट 2 था टू सेल्स अकाउंट 8,100 कैश मिला और 900 का अमाउंट मिला है डिस्काउंट,
on also commission layer discount. Okay. Suppose next purchase goods for rupees 20,000 from Ramesh at 10% rate discount and 10% cash discount paid full amount immediately by cash. Purchase क्या मैंने 3 तारीख को by purchase account 20,000 का goods purchase किया 10% rate discount 2,000 rate discount minus करने के बाद 18,000 आया उस पर 10% cash discount मतलब 1,800 का discount 16,200 का कैश मतलब मैंने पे किया होगा ठीक है तो इन शॉर्ट कंसेप्ट तो वही है पैसा आया तो डेबिट साइड पैसा गया तो क्रेडिट साइड ठीक है इवन कभी किसको पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं पेड रुपीज 1,000 टू मिस्टर पार्थ सेटलिंग द अकाउंट ऑफ रुपीज 1,010 मिस्टर पार्थ को मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरा जो अकाउंट था 1,010 का वो सेटल कर दिया तो रेट लिखा बाय पार्थ डेट में लिखा 4 बाय पार्थ है कितना पे किया 1,000 रुपए पे किए 10 रुपए का अलावेंस डिस्काउंट मिलता है तो ये भी डिस्काउंट अलग मैं आपको लिखना है ठीक है बैलेंस करने की बात है जैसा मैं पहले सीखा था बैलेंस करना हमें कैश को बैलेंस करना है हमें कैश अकाउंट को बैलेंस करना है डेबिट साइड जाता हो सेम टोटल यहाँ पे लिखा क्रेडिट माइनस किया लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैट ऑन बैलेंस की अमाउंट लिख दी डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है ध्यान रहे जैसा है टोटल पैसा का वैसा नीचे लिख दो ये 900 है तो 900 बाई 1810 तो बाई 1810 आई होप सो क्लियर है ठीक है सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट नंबर टू है बैंक एंड डिस्काउंट तो जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा बैंक जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो गया बैंक मतलब ट्रेडिंग विद द बैंक अगर होता है ठीक है चेक से पेमेंट्स होंगे ये सारे या चेक से मिला हुआ सारे के सारे ट्रांजेक्शन तो बैंक कॉलम में स्मॉल हो गए बाकी वही सेम टू सेम रूल्स यहाँ पे ठीक है एंड थर्ड जो आता है वो होता है कैश और बैंक टू कॉलम नाम है थर्ड कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक चीजें हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों के पॉसिबल है बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों के पॉसिबल है चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं बैंक बैलेंस दिया होगा या बैंक हो रहा बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक में मनी होगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का भी यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया तो यहाँ पे होगी अगर बाई चांस बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया है बाई चांस आपको देखे रखा है बैंक ओवर ड्राफ्ट ओके तो आप उस पर स्टॉक लिखोगे लिखोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवर ड्राफ्ट किया तो भाई अमाउंट यहां पे लिखोगे जो भी ओवर ड्राफ्ट की अमाउंट देके रखी है कैश बैलेंस है तो भाई कैश बैलेंस यहां पे जो भी अमाउंट आपको देके रखी है अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है परचेस किया होता है तो मतलब पेमेंट किया होता है मैंने यहां पे लिखा है बाय परचेस लेकिन पेमेंट कैसे किया होगा चेक करना कितना कैश में दिया है कितना चेक से दिया है आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कैश का और बैंक का ठीक है डिवाइड करना पड़ेगा कितना कैश और कितना चेक से पेमेंट यहाँ पे किया सेम वे अगर कैश और चेक से पेमेंट मिलता तो भाई कितना कहाँ पे क्या लिखना है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है ठीक है एक चीज है फिर डिपोजिटेड कैश डिपोजिटेड ध्यान में कैश डिपोजिट किया मैंने बैंक में किया कैश डिपोजिट डिपोजिटेड रुपीज 15,000 इन द बैंक मैंने किया बैंक में डिपोजिट 15,000 रुपए तो बैंक को पैसा मिला रिसीव ना मैं के बैंक को पैसा मिला कितना पैसा मिला बैंक को 15,000 मिला अमाउंट लिख देता हूँ 15,000 मेरे पास से क्या गया कैश गया तो यहाँ पर डेट सपोज की 5 है तो कैश अकाउंट मेरे पास से कैश गया बैंक को पैसा मिला एनएफ कॉलम में सी सी फॉर कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह पे एंट्री होती सुबह तक कॉन्ट्रा मेरे पास से कैश गया बैंक बैलेंस बढ़ा सेम डेट पे क्रेडिट साइड पे भी बाय बैंक अकाउंट मेरा कैश बैलेंस भी तो कम हो गया बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में लिखा अमाउंट मेरा कैश बैलेंस कम हो गया ठीक है
ये कब करना है, जब मैंने किया अमाउंट डिपोजिटेड तब, जब मैंने कैश डिपोजिट किया होगा तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज ओके एंड कैश बैलेंस विल डिक्रीज। बैंक बैलेंस यहां से बढ़ता है, कैश बैलेंस यहां से कम होता है। अमाउंट इन तो बाहर दूसरे का नाम देखो, बैंक में अमाउंट तो कैश का नाम और कैश में अमाउंट तो बैंक का नाम, ये क्या डिपोजिट। बात करता हूं विड्रॉ की, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पज के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पज के लिए, मतलब शॉप का रेंट पे करना है, शॉप के एक्सपेंस पे करनी है, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए विड्रॉ किया, उसकी कॉन्फिडेंट भी पास होगी। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पज के लिए, शॉप का रेंट पे करना है, हाउस का नहीं, शॉप का रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, उसकी कॉन्फिडेंट भी पास होगी। ठीक है, अब वो तब कैसे होगी विड्रॉ, तब उसके एंट्री पास कैसे होगी, तब मुझे कैश मिला होगा बैंक से विड्रॉ किया पैसा मुझे मिला होगा। सपोज मैंने 3000 विड्रॉ किया है तो कैश मिला यहां पे लेते रेट 7 सपोज रखे, तो बैंक अकाउंट कौन ड्रॉ, 3000 कैश मिला बाय कैश अकाउंट कौन ड्रॉ, बैंक में से 3000 का बैलेंस आगे कम हो गया। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से फॉर बिजनेस पर्पज तो मुझे कॉन्फिडेंट भी पास करनी है। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज या हाउस एंड पे करने के लिए तो सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग, ठीक है, बैंक बैलेंस कम हो गया यहां पर ड्रॉइंग, तब कॉन्ट्रा नहीं पास होगी। बिजनेस पर्पज से पैसा विड्रॉ किया होगा तो ही कॉन्ट्रा आएगा, तो ही जो दिनों पे इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है, कैश डिपोजिट किया होगा तो दो दिनों पे इफेक्ट आएगी, कॉन्फिडेंट पास होगी, अदरवाइज सिंगल सेम डेट पे होगी तो ही कॉन्फिडेंट पास होगी। दूसरी बात से बात होता है, ठीक है, मैंने गुड सेल किया, ठीक है, मैंने डेट 15 को मैंने गुड सेल किया वर्थ रुपीज 10,000 टू मुकेश, रिसीव 4000 इन कैश एंड 6000 बाई चेक, 6000 का चेक मिला और 4000 कैश मिला, तो सेल्स का मतलब पैसा मुझे मिला है, ठीक है, पैसा मिल गया, चेक मिल गया, मतलब पैसा मिल गया, लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि द चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब वो चेक अभी बैंक में गया नहीं, चेक मिला है जरूर बैंक में गया नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा था आपने यहीं पे 4 यहां पे 6 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया, खत्म हो गया, द चेक इज डिपोजिटेड विद द बैंक लिखा, मतलब बैंक में भी ओपन डाल दिया, बट ये सेंटेंस लिखा नहीं है, तो आपको क्या करना है, 3-4 लाइन से नीचे के पढ़ लेंगे, उसमें लिखा होगा द चेक रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर डे, जो पहले चेक मिला था डेट पे वो मैंने आप किया डिपोजिट, तो क्या हो जाएगा, पहले जिस दिन आपको चेक मिला था 4000 कैश मिला था, 6000 का चेक मिला था, उसको मानना आपको कैश मिला है, तब चेक करके बैंक में डालना है, कब नहीं डालना है, जब ऐसा लिखा हो चेक रिसीव्ड इज डिपोजिटेड इन द बैंक, ये अगर सेम डेट पे लिखा है, सेल्स किया हो उसी डेट पे ये सेंटेंस पे लिखा है तो कैश और बैंक में अमाउंट आ जाएगी। ये नहीं लिखा है, ये सेंटेंस नहीं लिखा कंटिन्यूएशन में, कुछ दिनों के बाद लिखा है, तो जब मैंने सेल्स किया है, जब मुझे चेक मिला था उसको मानेंगे मुझे कैश ही मिला है, फिर आगे जाके जब लिखा है ये चेक मैंने किया बैंक में डिपोजिट, तब उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा, बिकॉज मैंने चेक को कैश माना था तो कैश किया मैंने बैंक में डिपोजिट, तब उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सेल्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चेक बैंक में किया है कि नहीं किया मैंने डिपोजिट, ठीक है, उसी दिन चेक मिला और डिपोजिट कर दिया तो कैश बैंक दोनों में अमाउंट आ गए, उसी दिन चेक मैंने बैंक में नहीं किया है डिपोजिट तो आगे सेंटेंसेस पढ़ लो उसके बारे में दिया है कि नहीं, ठीक है, अगर दिया हो आगे जाके कि हाँ ये जो पहले चेक था वो मैंने आप किया डिपोजिट तो कॉन्ट्रैक्ट पास करो, पहले कैश मान लो अब उसी कॉन्ट्रैक्ट पास करो, ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ठीक है, पहले भी नहीं दिया है बाद में भी नहीं दिया, पहले वाले सेंटेंस पे जब तुमने सेल्स किया था उसी दिन उसको चेक मान लो कि चेक बैंक में जा चुका है,
मतलब आपको सारे सेंटेंसेस वन से एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आया और कैसा है। बाकी कंसेप्ट वही सेम है, पैसा यहां से बनता है, पैसा यहां से जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मेरा पे थ्री कॉलम है, इसके बाद मेरा पे थ्री कॉलम है, उसमें क्या चेंज है, डिस्काउंट कैश और बैंक कॉलम, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट कैश और बैंक कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, थ्री कॉलम के अंदर वही है, कंसेप्ट वही सेम है, पर तीन कॉलम बनते साथ में डिस्काउंट कैश और बैंक। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैश बुक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैं सम्स फेसबुक के सम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा साथ साथ में, इलस्ट्रेशन के साथ साथ में आपको एक्सेस के सम्स बताता रहूंगा किसकी एंट्री कहाँ आएगी। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तो आपको ईच एंड एवरी सम्स यहाँ पे ए टू जेड एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर नोट पे बताऊंगा किसकी एंट्री कहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक्स टेक्स्ट बुक्स पेन पेंसिल स्केल आप साथ में लेके बैठो, कॉलम बना के बैठो यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ में आप सारा सम सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे, ओके। हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट कि आप नोटबुक एंड एवरीथिंग रेडी रखना, फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन द टेक्स्ट बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक मैंने बता ही दिया है, टू कॉलम ने बता दिया, थ्री कॉलम में से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट डिस्काउंट कैश और बैंक डिस्काउंट कैश और बैंक, ये टू कॉलम कर रहा हूँ, थ्री कॉलम, ओके। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सॉल्व द सम्स अलोंग विद मी, टिल द टाइम स्टे होम स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। थ्री कॉलमनर कैश बुक द फॉर्मेट इज एज फॉलोज, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन इटसेल्फ, डेट पर्टिकुलर मीन्स रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर LF, डिस्काउंट कैश बैंक एंड ऑन क्रेडिट साइड ऑल्सो डेट पेमेंट्स पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट कैश एंड बैंक, ऑन डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। दिस फॉर्मेट इज टू बी ड्रॉन इन सिंगल पेज इटसेल्फ, आपको दो पेज साइड बाय साइड यूज नहीं करने हैं, आगे पीछे भी नहीं करना है, बुक को टेढ़ा करके भी सब नहीं करना है, जैसा है बुक वैसा ही रख के मुझे समझ आ पे करना है, तो आपको एक पेज में कॉलम बनाने की ट्राई करनी है, ओके। सो ये विद इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर थ्री कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल, ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000, बैंक ऑर्डर 4,000, तो जैसा डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में 10,000 और क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में 4,000, चेक इट क्लियर। देन नेक्स्ट गुड्स आर रुपीज 3,000 परचेज फ्रॉम आई ईयर एट 10% कैश डिस्काउंट एंड इश्यूड चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट, परचेज क्या मतलब पैसा गया, तो क्रेडिट साइड पर बाई परचेस डिस्काउंट कॉलम में 300 और बैंक कॉलम में 2700, चेक द सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट वन सैलरी ऑफ 800 rupees 700 पेड बाई चेक, चेक से पे किया, पेमेंट साइड पर बाय सैलरी 800 एंड बाय स्टेशनरी 700, दोनों अमाउंट बैंक कॉलम के अंदर, दोनों अमाउंट मैंने चेक से पेमेंट किया, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट गुड्स और ₹6,000 परचेज फ्रॉम बबीता एट 10% रेट डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय कैश एंड द बैलेंस अमाउंट इज पेड बाय चेक, परचेस किया पेमेंट साइड पर बाय परचेस 6,000 का 10% माइनस करे तो 5,400, हाफ कैश में और हाफ बैंक में, ओके। नंबर 9 ₹4,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में क्या मैंने 4,000 डिपॉजिट, सो डेबिट साइड में 2 कैश, बैंक में अमाउंट 4,000 और क्रेडिट साइड पर बाय बैंक और कैश में अमाउंट 4,000, LF में सी ऑन बोथ द साइड, डेट नंबर 9 आप चेक कर लो, क्लियर। ये वाला तो हमने पहले भी किया है, कैश और बैंक वाले टू कॉलम नार के अंदर भी, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। डेट 10 चेक ऑफ ₹6,000 इश्यूड टू पोपट लाल टुवर्ड्स द फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ 6,050, मैंने पोपट लाल को इश्यू किया मतलब पेमेंट साइड पर बाय पोपट लाल अकाउंट, ओके। चेक दिया है तो बैंक कॉलम में 6,000 एंड डिस्काउंट कॉलम में 50, चेक द सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट आत्माराम हैज गिवन ₹6,000 कैश एंड चेक ऑफ 4,000 विच डिपोजिट इन द बैंक
towards the amount payable of 10,070. So debit side में to Atmaram account 6,000 cash column में, 4,000 bank column में और discount column में 70 rupees. Okay. Number 14, check of rupees 5,000 received from Sundar towards payment of an old debt which is deposited in the bank. 5,000 का check मुझे मिला है debit side पे to Sundar account, bank column में 5,000. Okay. Next. 19. रुपीज़ 3,000 कैश पेड टूवर्ड्स इनकम टैक्स ऑफ जेठालाल. कैश मैंने पे किया है पेमेंट साइड पर. इनकम टैक्स पे किया मतलब ड्राइंग्स होगा, तो पेमेंट साइड पे बाई ड्राइंग्स अकाउंट और कैश कॉलम में 3,000. 19 है, चेक कर लीजिए. चेक ऑफ सुंदर इज डिसऑनर्ड. 5,000 का चेक था डिसऑनर हुआ, तो पेमेंट साइड पर बाय सुंदर अकाउंट बैंक कॉलम में 5,000. ओके. 50 paisa डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर. सुंदर के रिसीवर के पास से मुझे 50 paisa मिला. चेक था तो वो 50 paisa जो भी मिला होगा अल्टीमेटली वो बैंक में गया होगा. तो देख लो डेबिट साइड पे तो सुंदर अकाउंट बैंक में 2500. 5,000 का 50 paisa मतलब 50% 2500 बैंक में आ गया. क्लियर. 28. Goods of 10,000 sold to Tipendra at 10% cash discount for 60% of the amount. Check received with deposit and remaining amount is received in cash. Okay. 10,000 का मैंने goods sell किया Tipendra को 10% cash discount में, मतलब 1,000 rupees discount column में लिख दो, बाकी बचे 9,000 rupees. 9,000 का 60% का check मतलब 5,400 का आपको check मिला. देखो bank column में दिख रहा है 5,400 and remaining 40% 9,000 का 40% 3,600 वो cash column में दिख रहा है. Okay. 31st पॉइंट ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड रुपीज़ 2,000 रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक. 2,000 rupees का बैलेंस मुझे कैश में अपने पास रखना है, बाकी का पैसा मुझे बैंक में कर देना है डिपॉजिट. 2,000 rupees का बैलेंस कैरिड डाउन मुझे अपने पास रखना है कैश में, और बाकी का जो अगर कैश एक्स्ट्रा बचता है तो वो ट्रांसफ़र कर देना है मुझे बैंक में. इस सेंटेंस से मुझे ये तो क्लियर हो जाता है कि मेरा रिसिप्ट साइड ऑफ कैश कॉलम ज़्यादा होगा, तो ये तो पैसे अपने पास कैश में 2,000 rupees रख पाऊँगा. तो बिना डरे कैश कॉलम हम टोटल करेंगे डेबिट साइड वाला. पहला डिस्काउंट टोटल दोनों तरफ लिख देना है, जो है आता है वो 1,070 डिस्काउंट का अलाउड और डिस्काउंट रिसीव 350, इसको बैलेंस नहीं करना है. कैश को मैंने प्लस किया, डेबिट साइड इज 19,600, क्रेडिट पे भी सेम लिख दिया 19,600. मुझे पहले से बोला है मुझे बैलेंस रखना है कैश कॉलम में 2,000. देख लो कैश कॉलम में बैलेंस कैरी डाउन लिखा है 2,000. ठीक है, अब 19,600 में से आपको सारे फिगर माइनस करने हैं. तो 2,700 माइनस किया, माइनस 4,000, माइनस 3,000 एंड माइनस 2,000, बैलेंस भी माइनस करो. सो द रिमेनिंग अमाउंट इज 7,900. तो इसने बोला हुआ है 2,000 का बैलेंस अपने पास रखने के बाद बाकी के पैसे मुझे बैंक में कर देने हैं डिपॉजिट. जब मैं अमाउंट करता हूँ बैंक में डिपॉजिट तो मैं कॉन्ट्रा एंट्री पास करता हूँ. देखो यहाँ पे 31st बाय बैंक सी 7,900 कैश गया, और डेबिट साइड पे देख लो टू कैश अकाउंट LF में सी और बैंक में अमाउंट हो गया डिपॉजिट 7,900. तो ये उल्टे से अमाउंट क्या डिपॉजिट, समझ में आपको आता है. तो कैश में पहले मुझे अमाउंट मिल गया तो बाहर लिख दिया बैंक, फिर इसकी दूसरी एंट्री मैंने पास कर दी डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक में अमाउंट लिख दिया 7,900. फिर मुझे बैंक को टोटल करना है, जो भी साइड ज़्यादा कमाता है. इनकेस यहाँ पे इस सम के अंदर डेबिट साइड ज़्यादा आया 28,800, वही से मैंने क्रेडिट में लिखा 28,800, उसमें से मैंने क्रेडिट के सारे बैंक के फिगर्स माइनस किए तो द रिमेनिंग बैलेंस इज 6,900. ओके, तो अब दोनों का बैलेंस मैंने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया. अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2,069. ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट वापस ही बता रहा हूँ. आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड वाला पॉइंट दिया हो तो पहले से आप बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड बैंक कॉलम में पहले से आप लिख देना, दो लाइन छोड़ के जो बैलेंस दिया है 2,000 वो लिख दिया मैंने पहले से. इसकी इसका मतलब ये होता है कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश कॉलम ज़्यादा ही होगा तो ये बैलेंस रख पाओगे. तो रिसिप्ट को मैंने प्लस किया, अमाउंट आया मेरे यहाँ पे 19,600, वही मैंने पेमेंट साइड पे लिख दिया टोटल. इसमें से मैंने क्रेडिट के सारे फिगर लेस किए इंक्लूडिंग 2,000 वो लेस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आया 7,900. ये अमाउंट मैंने कर दिया बैंक में डिपॉजिट, ये अमाउंट कर दिया मैंने बैंक में डिपॉजिट. ओके, तो लिख दिया मैंने बाय बैंक सी 7,900 आ गया था अमाउंट. डेबिट भी मैंने उसकी दूसरी एंट्री पास कर दी टू कैश सी बैंक में लिख दिया 7,900.
फिर मुझे बैंक को प्लस करना है डेबिट क्रेडिट, देखना है कौन से साइड ज़्यादा है। इनकेस दिस सम में डेबिट साइड ज़्यादा था 28,800, वही से मैंने क्रेडिट में लिखा, उसमें सारे फिगर्स मैंने लेस किए तो रिमेनिंग अमाउंट आया 6,900, रिमेनिंग अमाउंट आया 6,900। ये दोनों का बैलेंस मिल गया, ट्रांसफ़र कर दिया मैंने डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखने के साथ। ओके, आई होप सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको क्या देखे रखा है। NEFT, RTGS, ओके, आई होप सो NEFT आपको ऑलरेडी पता होगा। यह बैंकिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। अब तो आप बैंक के वायर से ही आप खुद भी नेट बैंकिंग यहाँ पे कर सकते हो, अमाउंट यहाँ से वहाँ इजीली ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय NEFT? दिस सर्विस इज़ अवेलेबल नेशन वाइड। इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट यूनिट्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस। दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन द स्कीम। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट ऑफ द सेंडर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। फॉर NEFT सर्विस इट नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज इन सच अ बैंक। भाई यहाँ पे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है तो ये आप NEFT कर पाओगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आप कर पाओगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है अमाउंट की ट्रांसफ़र करने के लिए, बस बैंक यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट यहाँ पे चार्ज करती है, जो कि मेरे SBI में ऐसा है 10,000 पे 0.80 पैसा। ओके, आप 10,000 के इंटरवल में आप जितना ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, तो 10,000 के हिसाब से आपके कटते रहेंगे वो सर्विस चार्ज, यू कैन से वो अमाउंट। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिटरमाइंड मैक्सिमम चार्ज फॉर दिस सर्विसेज, मेरी RBI ने डिसाइड किया ये चार्जेस यहाँ पे। देयरफॉर बैंक कैन गिव दिस सर्विस इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है, बट इट कैन नॉट चार्ज मोर देन द मैक्सिमम चार्ज जो RBI ने बताया, उसके ऊपर वो चार्ज ले नहीं सकती। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है बेनिफिशियरीज को, मतलब अगर मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। फंड सेंडर हैज़ टू पे चार्जेस टू द बैंक, दस द चार्ज बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर द फंड सेंडर। मेरे लिए एक्सपेंस होगा और आपके लिए इनकम हो सकती है, मैं यू कैन से आपके लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए एक्सपेंस है। आपको तो इजीली जो अमाउंट मिलना चाहिए ट्रांसफ़र करता हूँ, वो अमाउंट आपको इजीली मिल जाता है। एज़ पर प्रेजेंट रूल NEFT सर्विस आप सुबह को 8 से लेकर रात के 7 तक अवेलेबल है, मंडे फ्राइडे, और सैटरडे को भी एज़ पर द नॉर्म्स रिस्पेक्टिव पीरियड दे के रखे हैं। जनरली द अमाउंट ट्रांसफर इन दिस पे डिपॉजिट विद इन 2 आवर्स में ट्रांसफर हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता एक्चुअली। ओके, जल्दी ही ट्रांसफर हो जाता है, मैं तो ट्रांसफ़र यहाँ पे करता हूँ। ओके, विद द हेल्प ऑफ NEFT मैं अपने SBI से अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ एवरी मंथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट। सो आई नो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाता है। ओके, सो मेरे पास NEFT सर्विस, नेट बैंकिंग मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, सेंडर के पास अवेलेबल होना चाहिए, रिसीवर के पास, बेनिफिशियरी के पास NEFT नहीं होगा तो भी चलेगा, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस सिंपल, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दो, आप कभी भी पैसा ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकते हो NEFT के वायर से। ओके, बस सर्विस सर्वर्स के टाइम पे ट्रांसफ़र होगा, बाकी आप ट्रांसफ़र करके रख दोगे नेक्स्ट डे में जाएगा वो। अगर आपने 8 बजे के बाद ट्रांसफ़र किया होगा, NEFT किया होगा, तो उस दिन ट्रांसफ़र नहीं होगा, उस दिन आपके अकाउंट में से डेबिट नहीं होगा, सेकेंड डे आपके अकाउंट में से डेबिट होगा, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी आपने OC में पढ़ लिया होगा बैंकिंग चैप्टर के अंदर। ये सर्विस प्रोवाइड होती है बाय द बैंक टू द कस्टमर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये भी सेम होता है। ये सर्विस प्रोवाइड टू कस्टमर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन द स्कीम। दिस सर्विस यूज टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो लोग RTGS यहाँ पे करते हैं। RTGS विंडो जो टाइम अवेलेबल है वो सुबह को 9 से लेकर शाम के 4:30 तक अवेलेबल है, मंडे फ्राइडे, और सैटरडे को रिस्पेक्टिव रूल्स के बेस पे यहाँ पे काम यहाँ पे करता है। ओके, ये अमाउंट दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली और इन मैक्सिमम 30 मिनट्स में अमाउंट ट्रांसफर यहाँ पे हो जाता है RTGS। अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ RTGS फैसिलिटीज इज द सेम एज NEFT, जैसे NEFT वैसे RTGS, बट अगर ह्यूज अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो लोग RTGS करते हैं। ओके, छोटी मोटी अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो लोग NEFT करते हैं। चार्जेस बेसिकली दोनों के सेम ही होता है, इतना डिफरेंस यहाँ पे चार्जेस में यहाँ पे नहीं है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आजकल तो डेबिट कार्ड यूज होता है पेट्रोल पंप के अंदर भी, इवन यू कैन विदड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द ATM मशीन्स। क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि पहले आप चीज़ें परचेज कर लो, एक फिक्स टाइम पीरियड अवेलेबल होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे वो अमाउंट बैंक को पे यहाँ पे कर देना होता है, अदरवाइज बैंक में से सर्विसेज यहाँ पे चार्ज करती है, इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करती है जितना अमाउंट मैंने यूज़ किया उसके ऊपर।
सो इलस्ट्रेशन नंबर 7, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी इसको ट्राई करें वंस. इलस्ट्रेशन नंबर 7 को ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा. इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी डीलिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 7. टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव ए नाइस डे. Oh, 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 oh